जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आप लोगों को सेल डिवीजन के टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ हम बात करेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन की खोज किसने की, सेल डिवीजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम जब बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो सेल डिवीजन क्या है याद रखिएगा, प्रत्येक कोशिकाओं के पास अपनी जैसी कोशिका बनाने की क्षमता होती है, और वो जब कोशिका बनाएंगे तो वो बिना विभाजित हुए नहीं बना सकते हैं, यानी वो विभाजित होंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी एक कोशिका का विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाओं का निर्माण करना सेल डिवीजन कहलाता है। सेल डिवीजन इज द प्रोसेस इन विच द प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड टू फॉर्म द न्यू डॉटर सेल, ये भी कहा जाता है। यानी मातृ कोशिकाओं द्वारा पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया कोशिका विभाजन कहलाती है। अब ध्यान दीजिए, हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, इसकी खोज का श्रेय जो है वो वाल्टर फ्लेमिंग को जाता है 1882। और सेल डिवीजन के पिता के बारे में पूछा जाता है, ये एक प्रश्न बनता है कि फादर ऑफ सेल डिवीजन, याद रखिएगा फादर ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के पिता कौन है, तो इसकी बात की जाती है तो भी नाम डब्ल्यू फ्लेमिंग को ही दिया जाता है। याद रखिएगा कोशिका विभाजन के फादर की बात करते हैं, डब्ल्यू फ्लेमिंग फादर ऑफ सेल डिवीजन। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कोशिका विभाजन की जब बात करते हैं तो उससे पहले एक बात आती है कि कोशिका जब विभाजित होंगे तो इसका भी एक कोई चक्र होगा, जिस चक्र से कोशिका की विकास की प्रक्रिया, कोशिका विभाजन में कैसे भाग लेगी, कैसे कोशिका विभाजन में आएगी, और किस किस प्रकार की कोशिका में किस किस प्रकार का विभाजन होगा, यूकैरियोटिक में कैसा होगा, प्रोकैरियोट में कैसा होगा, ये सारे बिंदु देखने को मिलेंगे। यहाँ आइए समझिएगा इस पॉइंट को। यहाँ हम बात करें सेल साइकिल, कोशिका चक्र। कोशिका चक्र क्या है, कोशिका चक्र हम कह सकते हैं सेल साइकिल इज द होल फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इन विद द प्रो फेज, बेटा फेज, एनाफेज, यस फेज, जी फेज, एम फेज, आल फेजेज आता हूँ। यह हम कह सकते हैं कोशिका चक्र वह चक्र है जिसमें कोशिका विभाजन के सभी फेजेज, सभी प्रवस्थाएं या अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, जिसको याद रखिएगा कोशिका चक्र की जो मुख्य अवस्थाएं होती हैं, या हम फेजेज ऑफ सेल साइकिल की बात करते हैं, फेजेज ऑफ सेल साइकिल, तो पहला आपका होता है एम फेज, दूसरा होता है आपका जी फेज, और जी फेज जो होता है ये G1 और G2 दोनों होता है, और एक होता है आपका यस फेज। ये कोशिका चक्र के फेज होते हैं जो कोशिका के विभाजन की पूर्ण प्रक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। यहां जब हम बात करते हैं कि कोशिका चक्र की खोज किसने की, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका चक्र की खोज प्रीवोस्ट और डुमास मनोवैज्ञानिक ने 1824 में किया था। कोशिका चक्र की खोज प्रीवोस्ट और डुमास ने 1824 में किया था, जब मेढक के युग्मनज जाइगोट में क्लीवेज का अध्ययन कर रहे हैं। क्लीवेज यानी कोशिका विभाजन की ही प्रक्रिया है, जब कोशिका टूट करके बार बार ढेर सारी कोशिकाएं बनाती हैं, ये एक समूह के रूप में, एक पुंज के रूप में जुड़े होते हैं, वहां वो क्लीवेज का नाम दिया जाता है। तो मेढक के युग्मनज जाइगोट का उन्होंने अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने कोशिका चक्र को भी प्रदर्शित करने का काम किया। इसकी कोशिका चक्र की बात करते हैं, इसकी खोज का श्रेय जाता है प्रीवोस्ट एंड डुमास को, और सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इसकी खोज का श्रेय जाता है डब्ल्यू फ्लेमिंग। अब आइए इस बात को समझिए कि कोशिका विभाजन में ये कौन कौन से फेजेज में क्या क्या अवस्थाएं देखने को मिलेंगी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कोशिका विभाजन एम फेज, एम फेज की बात करते हैं याद रखिएगा, इसमें आपका प्रोफेज पहला, प्रोफेज दूसरा, मेटाफेज तीसरा, एनाफेज चौथा, टेलोफेज पांचवा, साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज कोशिका विभाजन में, यहाँ पे जब अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस की बात करते हैं उसमें प्रोफेज को सबसे लंबी अवस्था माना जाता है। कोशिका विभाजन की अर्धसूत्री विभाजन में सबसे बड़ी प्रवस्था प्रोफेज फर्स्ट को नाम दिया जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि मियोसिस की जब बात करते हैं तो प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड दोनों होता है।
मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकंड, जब हम मियोसिस की बात करते हैं तब। अब मैंने कहा कि इंटरफेज को भी कोशिका में, सामान्य कोशिका विभाजन में इंटरफेज को कोशिका विभाजन की एक बड़ी अवस्था माना जाता है, लंबा समय ले रहे हैं, सबसे बड़ी फेज जो होती है कोशिका विभाजन की, सामान्य कोशिका विभाजन की प्रक्रिया की जब बात होती है, जब ग्रोथिक यानी कोशिका विभाजन से शरीर के विकास की बात होती है, तो सबसे लंबा फेज होता है, इंटरफेज होता है, या देख लीजिए 8 घंटे लिखे हुए हैं, यानी इंटरफेज में ये जो टाइमिंग है वो 8 घंटे की होती है। और मियोसिस में बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी फेज प्रोफेज फर्स्ट होती है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ 3 फेज मैंने बताया आपको, एम फेज, इसे डिवाइडिंग फेज कहते हैं, G1 जो जी फेज होगा, जिसे जीवन और हम जीवन सेल ग्रोथ और जीवन सेल ग्रोथ, एक 5 से 10 घंटे का और 3 से 6 घंटे का, एक पोस्ट माइटोसिस और एक चेक पॉइंट प्री माइटोसिस रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इसे जी फेज को ही ग्रोथ फेज के नाम से जानते हैं, और यहाँ ग्रोथ फेज में जो होगा एक्चुअली ये विभाजन के साथ साथ माइटोसिस की प्रक्रिया को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। वही जब हम बात करते हैं ग्रोथ फेज, इसमें जो इंटरफेज की बात होती है जो रिप्रेजेंट करता है एस फेज को, तो यहाँ पे एस फेज में डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होगी, नॉन डिवाइडिंग फेज कहलाएगा, इस बात को याद रखिए। अब ध्यान सुनिएगा, कोशिका विभाजन के मुख्य 3 रूप जो होते हैं, यानी 3 मेन फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन की जब बात करते हैं, कोशिका विभाजन के मुख्य 3 प्रकार, कोशिका विभाजन के मुख्य 3 प्रकार, 3 main types of cell division। ध्यान दीजिएगा इसके 3 मुख्य प्रकार होंगे, पहला ए माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस और तीसरा जिसे कहते हैं असूत्री विभाजन, जिसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, और इसे कहते हैं और सूत्री विभाजन। देखिएगा ए माइटोसिस असूत्री विभाजन प्रायः प्रोकैरियोटिक सेल में, यानी पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में, यह एक कोशीय व पूर्व केंद्रीय प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, यहां असमान रूप से विभाजन होता है, कोई कोशिका यहाँ पे होगी, जब डिवाइड होगी तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड किसी में ज़्यादा चले जाएंगे, किसी में कम चले जाएंगे, और सेल डिवीजन के बाद 2 नए सेल बनेंगे जिसमें अनइक्वल मटेरियल किसी में ज़्यादा और किसी में अधिक ये मटेरियल देखने को मिलते हैं। ऐसा विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं माइटोसिस, ये माइटोसिस और मियोसिस ये सभी विकसित जीवधारियों की विशेष व्यवस्था है। समसूत्री विभाजन जो होता है ये बॉडी डिवीजन, इसे सोमैटिक
डिवीजन या बॉडी ग्रोथ डिवीजन कहते हैं। यहां कोशिका बराबर